आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, एक ऐसा दिन जब हम महिला के हर रूप का सम्मान करते हैं, उस नारी का जिसने हमें जन्म दिया, वो बहन जिसके साथ हम पले बड़े, वो दोस्त जिसने कदम कदम पर हमारा साथ दिया और वो पत्नी जो जीवन साथी बनकर हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देती है। लेकिन क्या एक दिन उस नारी को सम्मान करने के लिए काफी है? कहने के लिए तो हमारा देश, हमारा समाज बदल रहा है। आज नारी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में उसे टक्कर दे रही है। लेकिन क्या ये मुट्ठी भर महिलाएं नारी के सम्मान की असली तस्वीर दिखाती हैं? शायद नहीं। तभी तो गर्भ में ही अजन्मी बच्ची को मार दिया जाता है। दहेज की मोटी रकम के लिए उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। अपनी आवाज उठाने पर उसे कुचल दिया जाता है। घर की चार दीवारी से जब वो बाहर निकलती है तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, बसों में, स्कूल या कॉलेज में, यहाँ तक कि दफ्तर के बंद दरवाजों में उसकी इज्जत को रौंदा जाता है। अपना मुकाम बनाने के लिए उसे समाज की उलाहना ताने सुनने पड़ते हैं। एक और 8 मार्च आ गया है। आज फिर सारी महिला सांसद एक आवाज में कहेंगी कि हम महिला आरक्षण बिल पास करवा कर रहेंगी। लेकिन ऐसा 14 बरसों से हो रहा है, जबकि यूपीए की अध्यक्ष महिला है और लोकसभा में विपक्ष की नेता भी महिला है। एक दिन पहले ही सरकार ने बताया कि इस साल से शुरुआती 45 दिनों में रेप के 181 मामले दर्ज हो चुके हैं, यानी रोजाना 4 रेप। दिल्ली ऑटो संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए 3 घंटे फ्री ऑटो सेवा का ऐलान किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले हफ्ते ऑटो में अगवा करके एक नाबालिग के साथ गाजियाबाद में ही गैंगरेप किया गया। 16 दिसंबर की वो रात जिस गैंगरेप ने पूरी दुनिया को हिला दिया था, उस गैंगरेप की शिकार लड़की को भी वक्त पर ऑटो नहीं मिला था, ऑटो वाले ने जाने से इनकार कर दिया था। आज कई जगह बसों में महिलाओं को फ्री सफर करने का मौका मिलेगा, लेकिन साल के बाकी 364 दिन वो बसों में सुरक्षित घूम सकेंगी, उसकी गारंटी कौन देगा? एक दिन की फ्री यात्रा से अच्छा ये होता कि आज महिलाओं को बस टिकट पर लिखा होता कि आपकी यात्रा आज सुरक्षित है और इस पर अमल भी होता। महिलाओं के साथ अपराध होता है, समाज उस अपराध को रोकने के लिए उनकी आजादी पर पाबंदी लगाता है। खाप पंचायतें और धार्मिक समुदाय तुगलकी फरमान जारी करती हैं। माँ और पिता बच्ची को नसीहत देते हैं, दफ्तर वाले ऑफिस की टाइमिंग बदल देते हैं, सरकार निर्भया फंड जारी करती है। लेकिन लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि महिलाएं कोई पिछड़ा या कमजोर तबका नहीं है, उन्हें भी जीने का हक है। आज वुमेन्स एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। मुझे मुक्त गगन की ऊंचाइयां छूने दो, बेशक मेरा सहयोग मत करो, मुझे पैसे भी मत दो, मेरे लिए चिंता भी मत करो, लेकिन इतनी गुजारिश है कि मेरा रास्ता मत रोको। जनता के लिए पूर्वी यादव की रिपोर्ट।